अगर होए दिया ना तब हो चोरिए, सतगुर होए दयाल तो शरदा पूरिए, सतगुर होए दयाल कब हो चूरिए। सतगुर होए दयाल त दुखी ना जानिए, सतगुर होए दयाल त हर रंग मानिए, सतगुर होए दयाल त दुखी ना जानिए, सतगुर होए दयाल त हर रंग मानिए। सतगुरु होए दयाल त सद ही सुख देहा, सतगुरु होए दयाल त जम का डर के हा, सतगुरु होए दयाल त सद ही सुख देहा। सतगुर होए दयाल त नवनीत पाइए, सतगुर होए दयाल त सच समाइए, सतगुर होए दयाल त नवनीत पाइए, सतगुर होए दयाल त सच समाइए, सतगुर होए सतगुरु होए दयाल त शरदा पूरिए, सतगुरु होए दयाल त शरदा पूरिए। वाहेगुरु जा तू मेरे वल है ता क्या मुशंदा, तुद सब कुछ मैनो सौंपिया जा तेरा बंदा, लखवी तोट न आवई खाए खर्च रहंदा, लख चौरासी मेद ने सब सेव करंदा, एह वैरी मित्र सब कीतिया नह मंगह मंदा, लेखा कोई न पूछई जा हर बख्शंदा, आनंद पया सुख पाया मिल गुर गोविंदा, सबे काज सवारिया जा तुद पावंदा। निमाणियां दे माण ने ताणियां दे ताण, न्योटियां दी ओट न्यासरियां दे आसरे। सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन गोद विच सज बैठे हो। अमृत वेले तो गुरु की संगत गुरबाणी दे नाल जुड़ी हुई है। तन तन दे जोग हो, मेरे मालक ने कृपा कीती आप जी गुरु दरबार दे विच हाजर होए हो। चंगे भाग ने बड़े लमेरे समय तो गुरु की संगत गुरु दरबार आने दे लई उतावली सी,
सतगुर पातशाह जी ने रिंद की अज सतगुरां दे सन्मुख बैठ के गुरबाणी सुन इतिहास सुन दा मौका आप जी नूं प्राप्त होए तन तन दे योग हो। आओ गुरु सवारियो इतिहास नूं कहण तों पहलां गुरफतेह दी सांझ पाईए समुचियां संगतां गज के आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। समा संकोचवां है इस हफ्ते मेरी कौम ने तीन ओ दिहाड़े मनाए ने जिन्हां दा सिख इतिहास दे विच सिख धर्म दे विच बड़ा वड्डा महत्व है। बड़े महान दिहाड़े मनाए ने तन तन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा मनाया। तन तन सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का गुरगद्दी दिवस मनाया। चौथे नानक सतगुरु साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी का ज्योति जोत दिहाड़ा भी मनाया मेरी कौम ने। अज का जो समागम है वो सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पहले प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित है। आप जी ने इलाही बाणी नूं सरवण किया है। तुरकी बाणी निरंकारी बाणी नूं सुन के आप जी ने अपने जीवन नूं सफल किया है। इतिहास सिख कौम दे लई एक बड़मुल्ला स्थान रखता है। इतिहास नूं सुनना भी बहुत जरूरी है। सतगुरु कृपा करन चौंकड़े मार के आप जी बैठे हो। मन की एकाग्रता दे लई एक बार अपनी रसना तो आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु। एक बार आखो जी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। सिख दे हिस्से आया है। सिख ने हमेशा सरबत दा भला मंगना है। जिन्नी देर तक सरबत दा भला नहीं मंगदा उन्नी देर तक सिख दी अरदास संपूर्ण नहीं हुंदी गुरु नानक दे दर ते। गुरु सवारियो आओ अपने जीवन नूं एहो जिहा बना लईए सच मुच ही असी गुरु दे सिख बनिए। गुरु दे सिख जेकर बनना है आओ सेध लईए गुरु किहो जिहा होवे सिख किहो जिहा होवे। सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी करतारपुर की धरती ते मेरे शहनशाह संगतां दे बेड़े तार रहे ने ते किरत भी कर रहे ने। तकरीबन 17 साल का समा मेरे शहनशाह जी ने करतारपुर की धरती ते बताया है। खेती भी कीती है ते संगतां नूं सच दा उपदेश भी दिता है। यात्रावां तो वेले होए ने ते मेरे गुरदेव पातशाह जी ने करतारपुर साहिब जी की पावन धरती ते डेरे लाए ने। इधर भाई जोध जी तो खडूर साहिब की धरती ते भाई लहणा जी अमृतमई बाणी सुनते ने। बाणी सुन के भाई लहणा जी टुंबे गए ने जा रहे ने माता दे अपने साथियों नूं आख दिता मैं वापस आवांगा थोड़ी देर तक जेकर ना आया ते तुसी चले जाना। भाई लहणा जी सतगुरु नानक देव महाराज जी दे वल तुरे ने ते गुरु किन्ना समर्थ है गुरु किन्ना महान है मेरे पातशाह जी आप भाई लहणा जी नूं लैण वास्ते आए ने। सतगुरु नानक पातशाह जी भाई लहणा जी नूं लैण वास्ते आए ने। भाई लहणा जी घोड़ी ते चढ़े होए ने ते मेरे हजूर जी लगाम फड़ के आए ने मोरे मोरे। शरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेत है। गुरु बड़ा महान है सिखा तेनू अगाऊ लैण वास्ते जांदा है। जो भाई लहणा जी ने दर्शन किते धर्मशाला दे विच जाके ते पछतावा किता सतगुर पातशाह मैं तुहानू मिलन वास्ते तुहाडे दर्शनां लई आया सां पर शहनशाह जी मेरे तो भुल हो गई। दाता जीओ मैं घोड़ी ते चढ़ के आया ते तुसी पैदल चल के आए। सतगुरु नानक देव महाराज जी आवाज दिंदे ने सिखा आ जा जेड़े लैणेदार होया करदे ने जिन्हां ने कुछ लैणा हुंदा है वह घोड़ियां ते चढ़ के आउंदे ने। है ना महान गुरु नानक दा दर। आओ सतगुरु
नानक पातशाह जी ने बख्शिश की जो मेरे हजूर पातशाह जी ने परख दियां कसवटियां लाइया ते भाई लहणा जी पूरे उतरे तन तन सतगुरु अंगद देव महाराज जी बन गए। समा आया गुरु अमरदास पातशाह जी दा, आए ने बीबी अमरो जी दे कोलों बाणी सुन के। जो आए ने सतगुरु अंगद देव महाराज जी दे कोल खडूर साहब दी पावन धरती ते, मेरे हजूर जी मिलन वास्ते जांदे ने। कहिंदे ने मैं रिश्तेदारी नवाउण वास्ते नहीं आया, मैं ते सिख बन आया हाँ। सतगुरु अंगद देव महाराज जी ने बुक्कल दे विच लै लए। सतगुरु साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह जी दा समा आया, गोइंदवाल साहिब जी दी पावन धरती ते दरबार सजिया होया है। भाई जेठा जी कुंगड़ियां वेच रहे ने ते मेरे हजूर पातशाह बाबा बुड्ढा जी नूं आवाज दे के कहिंदे ने, भाई सिख ये जिहड़ा जवान कुंगड़ियां वेच रहा है इस नूं बुलाया जावे। जदों दरबार दे विच सद्या ते मेरे गुरु अमरदास पातशाह जी ने बड़ी महान बख्शिश झोली दे विच पा दित्ती। सतगुरु साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी बन गए। तन गुरु रामदास पातशाह जी दा समा आया, मेरे हजूर पातशाह जी ने परख दी कसवट्टी लाई, लाहौर दी धरती ते भेजिया। जदों पुत्तर छोटे नूं ते परख दी कसवट्टी ते विचों पास हो गए, जदों आए ने ते मेरे तन गुरु रामदास पातशाह गुरगद्दी दा फैसला करदे ने। कहिंदे ने साढ़े दोनों वड्डे पुत्तर गुरगद्दी दे हकदार नहीं, क्योंकि सिखी सिद्धांतां दे अनुकूल नहीं। ना पिरथी चंद गुरगद्दी दा वारस बन सकदा है ते ना ही महादेव। मेरे हजूर पातशाह जी ने छोटे साहबजादे नूं इह सेवा सौंप दित्ती। सतगुरु अर्जन देव महाराज जी दा समा है, पिता दे वलों जिहड़ी सेवा आरंभ कीती सरोवर दी उह सेवा संपूर्ण करवाई। संपूर्ण करवाउण तों बाद हुण महान सेवा कीती, मेरी कौम नूं केंद्री स्थान दित्ता है। इह सब कुछ सेवा करन दे बाद मेरे शहनशाह जी सोचदे ने आउण वाले समें दे विच किते गुरबाणी दे विच रला ना मिल जावे। इह तुरकी बाणी, निरंकारी बाणी, इह इलाही बाणी जिवें गुरु साहिबाना दी रसना तों आचारी गई है, इह अकाल दी उस्तत है, उस वाहिगुरु दी उस्तत है। इह बाणी दे विच रला नहीं पैणा चाहीदा। सिखां सेवकां नूं सद्या, भाई गुरदास जी वर्गियां नूं, बाबा बुड्ढा जी वर्गियां नूं मेरे हजूर पातशाह जी सलाह करदे ने, भाई सिखो गुरबाणी नूं एक थां ते दर्ज करना बहुत जरूरी है। क्यों गुरसिख भी बड़े सियाने ने याद रखना, जदों भी सिखी दा कोई कार्ज होया, जदों भी साडे गुरु साहिबाना ने कोई फैसला लिया ते हमेशा गुरसिखां नूं वडियाई दित्ती, हमेशा गुरसिखां दी सलाह लई। सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जदों इह सलाह कीती आउण वाले समें दे विच कौम दे लई एक खजाना बड़मुल्ला जिहड़ा है उह इक थां बाणी दर्ज होनी चाहीदी है। ते हुण भाई गुरदास जी सतगुरु अर्जन देव महाराज जी नूं कुछ कहिंदे ने, मेरे गुरदेव पातशाह जी नूं पता है कुछ बाणी साडे कोल है ते कुछ बाणी दूर दूर तक सिखां दे कोल भी पई है। गोइंदवाल साहिब जी दी पावन धरती ते वी कुछ बाणी बाबा मोहन जी दे पास है। सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं भाई गुरदास जी एक बेनती इउं कर रहे। पोथिया मोहन पास ने गुरु जी नु किया पाई गुरदास ने, गुरु जी नु किया पाई गुरदास ने, बाणी दिया पोथिया मोहन पास ने, बाणी दिया पोथिया मोहन पास ने। बाबा जी चुपाए चने
वास रखी दे होर नहीं हो किसे नू पास रखी दे बाबा जी चुमारे च निवास रखी दे होर नहीं हो किसे नू पास रखी दे लिखी सारी बाणी गुरु अमरदास ने लिखी सारी बाणी गुरु अमरदास ने बाणी दिया पोथियां मोहन पास ने बाणी दिया पोथियां मोहन पास ने बेगाने पामे होर तारी दे गल नहीं हो कदे किसे नाल तारी दे होर जा बेगाने पामे होर तारी दे कार जाप कर दे सफल सास ने कार जाप कर दे सफल सास ने बाणी दियां पोथियां मोहन पास ने बाणी दियां पोथियां मोहन पास ने होने कम
ਰਾਸ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਮੋਹਨ ਪਾਸ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਮੋਹਨ ਪਾਸ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਮੋਹਨ ਪਾਸ ਨੇ ਹੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਚਵਾਰੇ ਚ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਸਾਇਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੰਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਉਹ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ 1604 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਕੈ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਨ ਆਇਆ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡੂਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁੱਖ ਆਸਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਓ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ ਜੋ ਬੀੜ ਲਿਖਾਈ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖ
ਲਿਖਿਆ ਪਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੋ ਭੀੜ ਲਿਖਾਈ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇਹਦੀ ਪਾਈ ਬਨੋ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪਾਈ ਪਾਈ ਬਨੋ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਲ ਤਲਾਈ ਖਾਸ ਇਹਦੀ ਪਾਈ ਬਨੋ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਲ ਤਲਾਈ ਖਾਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਸਜਾ ਕੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਰਾਤਨ ਸੁਖ ਨਿਵਾਸ ਫਿਰ ਪਲੰਗ ਸਜਾ ਕੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਰਾਤਨ ਸੁਖ ਨਿਵਾਸ ਫਿਰ ਬਚਨੇ ਉਚਾਰੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਚਨ ਬਚਨੇ ਉਚਾਰੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾਸ ਫਿਰ ਬਚਨੇ ਉਚਾਰੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾਸ ਜਮਦੀ ਫਾਸ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤਾਰੇ ਪਵਜਲੋ ਇਹ ਕੱਟੂ ਜਮਦੀ ਫਾਸ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਮਾਣੀ ਜਿੰਦ ਤੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਮਾ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਦੀ ਇਹ ਕਰੇਗੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਮਾ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਦੀ ਇਹ ਕਰੇਗੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ ਇਹ ਕਰੇਗੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ ਇਹ ਕਰੇਗੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਗਾਖਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ
गुरु नानक के दर्दियां सेवावां दे विच योगदान पाया। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। ढाडी जथे वालों इत्थे ही समाप्ति है। होईआं भुल्लां दी खिमा सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का कोटान कोटान शुक्र है। गुरद्वारा साहब जी की मैनेजमेंट का धन्यवाद है जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी। शीतल पुरख दृष्टि सुजानी, शीतल पुरख दृष्टि सुजानी, दृष्टि सुजान, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी। तन सो विलाजित दर्शन करना, तन सो विलाजित दर्शन करना, हो बलहारी सतगुर चरना, हो बलहारी सतगुर चरना, हो बलहारी सतगुर चरना, हो बलहारी सतगुर चल, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, सच मंत्र तुम्हारा प्रभ मेरे जी के दाते प्रीतम, जी के दाते प्रीतम, प्रभ मेरे जी के दाते प्रीतम, मन जीवे प्रभ नाम चितेरे, प्रभु नाम चितेरे, मन जीवे प्रभु नाम चितेरे, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी। सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी।
सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी, सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी, आए ना जावे मेरा प्रभु अविनाशी। आए न जावे मेरा प्रभु अविनाश, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी। तुम मेहरबान दास हम दीना, तुम मेहरबान दास हम दीना, नानक साहिब पर पूर लीना, नानक साहिब पर पूर लीना, सच मंत्र सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी। दृष्ट सुजानी सीता पुरख दृष्ट सुजानी, सीता पुरख दृष्ट सुजानी, सीता पुरख दृष्ट सुजानी, दृष्ट सुजानी दृष्ट सुजानी, सच मंत्र सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव ए नमः सच मंत्र तुम्हारा, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।
तन गुरु ग्रंथ साहब जी, तन गुरु ग्रंथ साहब जी। सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाण, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाण, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाण, मंत्र तुम्हारा